या पैसा लावून तिथून जमा करावं तुम्ही? हाय ले 10 रुपये काय महत्व तुला? हाय ले म्हणवा तू दे. ए म्हणे रे पैसे दे 10 रुपये म्हणे तू दे. काथी के पैसा रे? ए एंट्री फीस ना दे भाई. हमारा एक रुपये नहीं खे. हमने के दे देनी 10 रुपये दही तू हो तो तुम्हें पापा पकौड़ी बेचल हो. हमारे पापा थोड़ी पकौड़ी बेचल हो. तो तुहर पापा ना कमा लो. हमारे पापा बाहर रह लो. ए तो बाहर रह लो तो ना कमा लो. ये नहीं कि जानत कमा लो कि ना कमा लो लेकिन बाहर रह लो. हमारे लगे पैसा ना आओ भाई. अरे ना तो भाई पैसा तो कहाँ से होते थे घोटो थे. देख तो हम 500 देनी है. तो तू कप्तान भरे तो 500 ना देबे. हमारे पैसा नहीं खेना देबे. कौन बात बोले? रह दे ना दे तू पैसा. चल साला तू तो जिंदगी भर भिखारी रह. बंटी का बोल साला तू बड़ा सुंदर लगा तेरे. थैंक यू शुक्रिया. एक बात कही किसे भी ना ना हम क्या किसे बोल ना. अगर तू लड़की रहते तो हम ऐसे पटते कि ना. री साला री खिसियात का लबारे पूछनिया हुआ पढ़ते कि ना पढ़ते बताओ ना. रे साला अगर लड़की रहती ना तो तोरा नहीं और 5-7 गो रख ले रहती. ओ एकरा मतलब तू रंडी रहते ना. रे साला तोरा के हम कथी करनी हो कि मरले रे साले. तू हमरा के एमे के या ओमे के बुझा दे. काठी बारे रे साला तू काठी मारे रे. एकरी महत्ता आड़ी के पेट्रोल बा महंगा. क्या लगा करे रे? उस साला गंदा गंदा बात करता. कौन गंदा बात कहा लगा? तू ही जाके पूछो उकरा से. ए मनिया कौन गंदा गंदा बात कहा लगी है रे? अरे कती बोल रही है साला से पूछ. हम बोल रही है कि अगर तू बंटी इतना सुंदर बड़े अगर लड़की रहते तो हमारे से पढ़ते कि ना. तो साला कती कहता कि तोरे से कहती हम साला हमारा लगे 5-7 गो भतार रहे. साला 5-7 गो यार रखाई तो साला उठियतरी ना रही. आज साले के फाड़ दे. आज मैच मैच में रह जाइए. आज फुट ए रुक साला. कोनो साला कोनो के कुछ ना बोले. बैठ ला सा. हट कह दे रे हम दाई किन के देले हम. ए साला चल जल्दी सा. मैं सुनोए वाला ये साला अपने में कट के मरबे करे साला. चल चल साला. और यहाँ पे हमारे साहेबगंज के टीम पहुंच चुके हैं तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. और वो देखिए चकिया की भी टीम पहुंच चुके हैं. देखिए कैसे खेते खेते एकदम दौड़ते. वाह रे वाह क्या बात है. आ जाइए आ जाइए आ जाइए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. और यहाँ पे मनी महराज जी सबसे आगे और बहुत ही आक्रामक मूड में लग रहे हैं. वाह वाह क्या बात है. तो चलिए दोनों टीमों से अनुरोध है कि अपने अपने कैप्टन को बीच में भेजे क्योंकि टॉस की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेंगे हम लोग. तो चलिए मनी महराज जी. कप्तान हम नहीं है. हाई है कप्तान नहीं मुंह कप्तान बन जालीस. जो टॉस कर. तो हमारे पास यहाँ दोनों टीम के कैप्टन और साथ में उनके खिलाड़ी भी पहुँच चुके हैं. तो चलिए टॉस की प्रक्रिया को शुरू करते हैं. तो सिक्का सिक्का तो ना बा जी. सिक्का रे सिक्का नहीं है. तो इनके पास ना हो सिक्का ना. तो रोका एगो उपाय बा. और चप्पल से हो जाए जी. बहुत बढ़िया डिसीजन आपका. तो चलिए इसको फेंकते हैं उल्टा की सीधा सीधा. चलिए और यहाँ पे चप्पल उल्टा होता हुआ. तो यहाँ पे साहेबगंज ने टॉस जीत लिया है. तो आप क्या कीजिएगा? बॉलिंग फर्स्ट. बॉलिंग करेंगे. तो चलिए चलिए टीम सजाइए टीम सजाइए. चलिए बहुत ही खुशी का माहौल. और यहाँ पे ए मनु भाई तो तू जो ए मनिया तू जो दोनों गोरा और के खेलिए ठीक से समझ ले. ए साहब सुन 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 एगो हाजीपुर के खिलाड़ी अल बा बहुत खतरनाक खेलेला छक्का चौका मारेला बहुत ही कोकरा का अपना टीम में रख ले. जल्दी जल्दी अपना अपना फील्ड सजाइए. लेट हो रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे. देखो तो अरे कितना मूड झूठ बा साला बड़का बड़का छक्का मारा लो कबो कबो मार के बोले भुला दे बोलो. ए तो ओकरा के रखला तो कोनो के हटावे के न होई. हट जाई जीते से न मतलब हमनी के केकरा के हटाई. ए मनिया तू बैठ बैठ जाई. हां काहे रे ए बाहर के खिलाड़ी है बढ़िया खेला लई. तो हम का बैठिए के बैठा काहे ना बैठबे. तू पैसा दे लेगा का? तो तू पैसा दे ले तो साला तू खेलबे. तो खेलम ना साला. हम टीम में रहले हमेशा हम खेलम ना. खेलबे तू तू जाना तारे बेसी बोलबे. ठीक बा हम ना बोलम. कप्तान जो बोलते सो मानबे ना तू. कप्तान झाड़ के कप्तान बा हम. हट साला तू ना खेलबे भाग गया. हट साला ना खेला साले कप्तान का झाड़ बनत. ए जा दे साला के उहे बड़का रहे. चल तो मैच स्टार्ट होने में बस कुछ ही लम्हा बाकी है और बस कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा. आप लोग दिल थाम के बैठिए. का बेलो का यहाँ के खड़ा हो गया.
ए हटा दिलक है सरवा के बेटा से काहे निकाल दिलक हो ए दोगला बा साला से पैसा ना देनी है एंट्री फीस नु साला निकाल दे देख के जोरा ले तोरा के देख के काहे ले जोरा ले स हम पढ़ा लिखल बहुत बनी नोइस पढ़ा लिखल बा रे हां तो तू तो गेम खेल के मर दे पैसा कमा लेबो हई देख आज हम तोरा के बताओ तनी भारत के सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में जहाँ पे तू लूडो क्रिकेट कॉल ब्रेक पूल जैसन 70+ गेम खेल के जीत सकत रहा 50 लाख तक कैश प्राइज अरे वाह और यहाँ पे तू फ्री और पेड दोनों तरीके के गेम खेल सकता रहा क्रिकेट फुटबॉल देखे वाला यहाँ पे अपन फैंटेसी टीम बना के जीत सकता और सारा ही गेम में रियल प्लेयर मिली तो जीतल एकदम इजी बा अच्छा? और अपन सारा कैश प्राइज इजिली विड्रॉ कर सकता रहा पेटीएम यूपीआई चाहे बैंक ट्रांसफर के थ्रू और यहाँ विंजो स्टोर भी बा जहाँ पर तोरा फ्री फायर डायमंड इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर मिली और बिगेस्ट ब्रांड जैसे कि मिंत्रा हॉट स्टार डोमिनोज ईटीसी के डिस्काउंट कूपन तो पैसा जीतो भी और पैसा बचावो भी और यहाँ 7 दिन रोज स्पिनर घुमावला पर केटीएम रॉयल इनफील्ड आईफोन 13 भी जीत सकता रहो तो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है हो भाई पोटा श्रीक नहीं है पोटा जो बोल दिए सला कप्तान हुआ के सला काग लेकिन माथा पर हमारे टाइ टाइ करो तनु भाई वो टी शर्ट हो बा दाना कैसे हमको दाना ला तो शॉर्ट हो टी शर्ट में था हो टी शर्ट हो दे हाई ला भाई हाई ला पढ़ा लिखा तो पढ़ ले बड़ा हाँ इंपायरिंग कौन ले बा अरे बनिया से गान फार क्या हो सबके जा जा हम बानी कोनो कुछ बोली तो हम समझ लेम जा हाँ रे कथी कर अली हाँ रे लौकत ना हो साला इंपायरिंग करे नहीं चलो ने जा जो ने जाओ रे चल भाई बोलो कराओ और अपने ओवर की पहली गेंद लेके रियाज चल चुके हैं तो रियाज जी का पहला गेंद और यहाँ पे रियाज जी ने बॉल फेंका और यहाँ पे वाइड तो एम्पायर का डिसीजन अभी तक नहीं आया है वाइड है वाइड दही तो वाइड नहीं है अरे साला एम्पायर से तू ज्यादा जानता है रे बॉल कराइए और यहाँ पे लेके चलेंगे अपने ओवर की दूसरी गेंद और ये दूसरी गेंद और यहाँ पे आउट की बहुत ही जोरदार अपील लगता नहीं है कि आउट है और एम्पायर का डिसीजन आउट अरे साला ये आउट है जी और दूसरी ही गेंद पर हाजीपुर के खिलाड़ी चाट के उजर हो गए तो चलिए चाटते हुए रे साला रे आउट है बैट में ठेक में ना करिए तू आउट दे दे ले साले चुपचाप खड़ा रहा ना तो साले खरे खरे आउट दे दे लार चाट के कड़िया हो जाएगा हमारे एम्पायर पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य डिसीजन माना जाएगा भाग साला गाल खिलाओ तो और पिच पे आ चुके हैं मुन्ना जी तो मुन्ना जी को फिटला के नाम से भी जाना जाता है और पेट दिखा दिखा के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बैटिंग के लिए तैयार और रियाज जी अपनी पहली बॉल लेके चले और रियाज जी ने बॉल डाली और ये मैं क्या देख रहा हूँ उठा दिया इन्होंने और ये 6 रन छक्का दही और अगली बॉल लेके चल चुके हैं कोयला महाराज और इस गेंद पे मुन्ना ने जड़ दिया है छक्का फिर से चौका और छक्का शाबाश मुन्ना ओ भाई काथी बॉल कले बरमन खाली छक्का चौका तो मारा था ओकरा बाजा पर मारा ओकर बड़का बाजा है बाजा पर मारा बाजा फरस साले और यहाँ पे साहिबगंज के कैप्टन अपनी पहली बॉल डालेंगे और मुन्ना ने मार दिया है और रन लेने की कोशिश और यहाँ पे और ये आउट पैसे आउट बनी रे बॉल उठा के दे दिले तो हमारे चुतिया बुझे तेरे रे दादा बोल बे साला एम्पायर से बतिया साला बॉल उठा के दे दिले हम देखनी है ना आ तू कहता रे आउट है अगर एम्पायर के सामने अगर बॉल आवा तो सीधा एम्पायर उठा के फील्डर के दे सकता समझ ले हम लोग ले ना जाके पूछ ले जाके वो कमेंटेटर से ए हम आउट ना बनी कह दी आउट नहीं किया हम ना दे आउट ए तू साला आउट ना हो बे साला आउट बड़े आउट देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं अगर एम्पायर से आप लोग धक्का मुक्की कीजिएगा तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और समोसा लिट्टी कुछ नहीं मिलेगा नाश्ता में आप लोगों को समझे निकलिए बाहर चल ले साला कितना गाल खेली सर जीती थोड़ी है सर और अगली बॉल के लिए तैयार और इन्होंने बॉल को डाला और यहाँ पर जोरदार अपील अपील तो बहुत ही जोरदार है लेकिन एम्पायर का डिसीजन आना भी बाकी और एम्पायर अपने जाते हुए वहाँ पे और जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है और एम्पायर यहाँ पे निर्णय लेंगे और यहाँ पे आउट
का डिसीजन आ चुका है एम्पायर के तरफ से। वाह कारे आउट बनी हम जो 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 आउट बने जो। अच्छा ठीक बा चल तोरा के घर ही देखत नहीं जो। अरे साला काख में दांत को मुआ देबो जो। और यहाँ पे न्यू बैट्समैन आए हैं मुख्तार आर्यन, तो मुख्तार आर्यन के लिए पहली गेंद, और पहली गेंद को इन्होंने उठा दिया है और एक कैच आउट। अरे एम्पायर के पकड़ला से कैच आउट हो गए प्लेयर। तो सारों के कौन कॉल है एम्पायर लगे मारेला, जो आदमी खा रहा है पकड़बे करते आउट है। और अगली गेंद लेके चल चुके हैं कोयला महाराज, और कोयला महाराज ने पेटू बाबू के लिए फेंका और पेटू बाबू आउट। और हमारे नए बैट्समैन आए हैं करण गुप्ता, करण गुप्ता के लिए पहली गेंद, और पहली गेंद को इन्होंने उठा दिया है और चांद ने किया खैचा में आउट। और ये कैसे फिर से खैचा में लोग लिया, ये कैसे, तो चमत्कार हो गया। यहाँ पे हमारे एम्पायर कुछ और भी दिखाना चाहते हैं, और है क्या डबल आउट। ये डबल आउट किस लिए दे रहे हैं समझ में नहीं आया मुझे। डबल आउट कैसे रे, ये वो कैच आउट मिलाऊ। हाँ आउ हिट बिगड़ तोर बाप मर लिया तो साले, इन्हें गाड़ी तू बारे था तू आउट ना हो तो कौन होते, हम आउट हो। चल आउट हो रहे, चल निकल क्रिकेट खेला। और यहाँ पे अगली गेंद लेके रियाज जी चल चुके हैं, रियाज जी ने बॉल को डाला और सैफुल ने सीधे बॉल को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। और फिर से अगली गेंद रियाज की और इस पे बोल्ड। और यहाँ पे चकिया की टीम ने बनाया है 76 रन, और 76 रन पे 10 विकेट, तो चकिया की टीम ऑल आउट हो चुकी है। और साहेबगंज को जीतने के लिए चाहिए 77 रन। तो हमारे ओपनर निकल चुके हैं काजू जी और गुड्डू जी, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है साहेबगंज का। पहली बॉल लेके चल चुके हैं सैफ, और सैफ ने बॉल डाला और बोल्ड, कैप्टन बोल्ड। आउट ना दिले, और सैफ दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, और दूसरी गेंद डाला और ये भी बोल्ड। और यहाँ पे सैफ अपनी अगली बॉल डालेंगे, और इस बॉल पे इन्होंने जड़ दिया है छक्का, तो 6 रन, और एम्पायर का डिसीजन भी 6 रनों का। और सैफ की अगली गेंद, और यहाँ से जोरदार प्रहार, बंटी ने दोनों हाथों से मुठियाया गेंद को, और यहाँ आउट। लेकिन एम्पायर का डिसीजन आना अभी भी बाकी, और एम्पायर ने डिसीजन बहुत बढ़िया तरीके से दिया। और ये मार दिया है रियाज ने उठा के, और ये बहुत ही लंबा विरोधी के गार के बीचों बीच पूरा फाड़ते हुए 6 रन। तो ये 6 रन है। एम्पायर इतना उछल क्यों रहे हैं, कूद क्यों रहे हैं? अरे ये तो डबल छक्का है, वाह 12 रन ऐड कर लीजिए, 12 रन। ऐ पति के डबल छक्का दे लिए तू रे, लौकलाओ ना बॉल कितना दूर गिर लिया। ए साला कोनो मैच में डबल छक्का होकल है रे, तू नहीं जाना ना। हमारा फुआ के ने इतना बड़का बड़का छक्का मारा लेनु, तो को डबल छक्का दिया ले, जाके पता कर ले। हां तो अपना फुआ करे जाके एम्पायरिंग कर, ये तो ना चलता हूं। तू करबे काथि रे, डबल छक्का देनी है काथि करबे, मरबे का बारे तू मार देबे रे साला। तू बारे कथि रे एसपी बारे कि साला हमनी के ड्राइव साला एम्पायर बा एम्पायर जैसा रह रे साला, गाल खेले के बहुत होकल है, कोनो देश में चाहे कोनो टीम में साला डबल छक्का ना होकल है, नो बॉल होकल है। हां छक्का कैसे हो जाले बिना बॉल के, तो नो बॉल रहल है। कितना बार का मरलई है, डबल छक्का दिया तई बॉल काथि करके चाहत रे तोनी का। ए ना दिया तई छक्का, ए ज्यादा बॉल मत समझ ले, ना तो 3 गो छक्का दे देबो एक के बार में। एम्पायर ना रे, नो बॉल ग्रेट। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, एम्पायर का डिसीजन नो बॉल का और फ्री हिट, वाह क्या बात है। और एम्पायर का डिसीजन सर्वमान डिसीजन माना जाएगा, और इस बॉल को फिर से डालिए। बॉल का आएगा, और कोची के फ्री हिट है, कोची के फ्री हिट है, कोची के फ्री हिट है रे साला के नाती। सरों की अगे याद आसा बता घरे जाइब साले, अरे बे तोरा साथे ने जा सरा, मुंह में हड्डी कहां से आ गेल घरे दादा। साहेबगंज जीत गया, और ए मैं क्या देख रहा हूं, एम्पायर ने जीत दे दिया है साहेबगंज को, साहेबगंज जीत चुकी है और चकिया हार चुकी है। एम्पायर का डिसीजन सर्वमान डिसीजन होगा और सबको मानना पड़ेगा, तो चकिया यहां से गांड फुला के जाते हुए। और साहेबगंज यहाँ पे बहुत ही अच्छे रनों से जीत चुकी है, बहुत
साहेबगंज ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है और चकिया का टीम निराश हो गए यहाँ से जाते हुए। बड़ी सम्मान दे के गई है चकिया की टीम, धन्यवाद। सर्वा केने से बोला था कमेंटेटर भाई। आज के दिन बहुत अच्छा गेंदबाजी, बहुत अच्छा बल्लेबाजी हुआ। अफसोस इस बात का है कि चकिया की टीम हार गई और एम्पायर का डिसीजन सर्वमान डिसीजन माना जाएगा। ओ भाई ओ, आइलैंड कप का होई? वर्ल्ड कप बस रहो, तनी नीमन से बोलो। रख लो, चकिया के हराए में तो ज्यादा योगदान बा, रख लो। तो आज के मैन ऑफ द मैच मणि महाराज जी को मिलेगा। तो मणि जी आप है मैन ऑफ द मैच, कुछ कहिए। ओकरा नानी के बेटी के बेटा के मतारी के पतो के बहिन से ब्याह करा। वाह मणि जी वाह, मैन ऑफ द सीरीज भी ले जाइए। और दो शब्द बोले थे आप, चार शब्द बोले, उसमें एक शब्द और जोड़िए। अगर आप भाई के कौन और बहन होके तो मेरा सेटिंग कराइए। Thank you.